जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुधार मेजर ओम प्रकाश तिवारी, भारतीय सेना। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य, जिसका कि एक रिजॉर्ट है मसूरी के आसपास जंगल के बीच में, जो भी अवैध है, ठीक है, उसके अंदर रिसेप्शन का काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी का अपने सहकर्मी, ठीक है, अपने सहकर्मी सौरभ और अंकित के साथ मिलकर उसकी हत्या करी और उसके बाद उसको चीला नहर में बहा दिया, ठीक है। और इन तीनों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। 18 तारीख को अंकिता भंडारी की रिपोर्ट लगी थी गुमसुदी की, और इसमें जो है पुलिस ने भी उतना पावर और एक्शन का काम नहीं किया, 6 दिन उसमें लग गए, ठीक है। पुष्कर सिंह जो हमारे मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, जी मैं अभी नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरा स्वाभिमान इसमें गवाही नहीं दे रहा कि मैं पुष्कर सिंह मुख्यमंत्री को जी करके संबोधन करूं। वो रीज़न ये है कि इसमें एक गरीब की बच्ची होने है, क्या आप लोगों ने इसको क्या एक गरीब की बच्ची होने की वजह से 6 दिन का समय लिया, उसको ढूंढने में एक्शन क्यों नहीं करवाया? आप मुख्यमंत्री के सर्वोपरि थे, आपने क्या एक्शन लिया? एक्शन पे क्या रिएक्शन हुआ? कहाँ का FIR हुई? कहाँ कहाँ पर उसमें, अगर उसमें पहले ही एक्शन कर लिया होता, सब कुछ हो लिया, तो हो सकती है हत्यारे पहले भी पकड़े जा चुके होते, ठीक है। अंकिता भंडारी इस गिद्दी की निगाह रखने वाले विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में रिसेसमेंट का काम करती थी। 18 तारीख को गुमसुदगी रिपोर्ट लगी, 5 या 6 दिन उसकी खोज खबर करने में ही लग गए, और लास्ट में पता चला उसी ने, पुलकित ने, वो गिद्दी की निगाह वाले उस बेटे ने, ठीक है, उस संस्कारी बाप के संस्कारी बेटे ने खुद बताया कि मैंने उसकी हत्या कर दी है, अपने सहकर्मी रिजॉर्ट मैनेजर के साथ और एक कर्मी के साथ मिलकर तीनों ने उसको ठिकाने लगा दिया और चीला नदी में बहा दिया है। दोस्तों, सवाल मुद्दा यहाँ पे आता है कि पुष्कर सिंह जी नहीं बोलूँगा अभी, पुष्कर सिंह जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, आपके भी बच्चे हैं, ठीक है, आपका भी एक लड़का है, है? आपका भी उसके लिए दिल में दर्द धड़कता होगा, दिल छलकता होगा। एक माँ बाप पे क्या बीती होगी जब उसकी बच्ची मसूरी के अंदर किसी रिजॉर्ट के अंदर जो है काम करते हुए अचानक गुम हो जाती है और उसकी कोई खोज खबर नहीं मिलती है, तो उसके परिवार में उसके माँ बाप पे क्या बीती होगी? क्या आपके दिल में कोई इस बारे में कुछ है? आप पूरे उत्तराखंड के महामहिम मुख्यमंत्री हैं, आप एक वर्कर हैं और पूरी जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, ठीक है। ये काला धब्बा और ये इतिहास है उत्तराखंड के अंदर, कभी ऐसा इस तरह के बब्बर हत्याकांड कभी नहीं हुआ है। लोग बहु बेटियों को देखने में शर्माते और रिस्पेक्ट की नज़रों से देखा करते थे और डरते थे कि कोई भी ऐसा गलत काम उत्तराखंड अगर कहीं भी ना हो, लेकिन हुआ और ये बहुत ही खतरनाक हुआ। अब आगे आने वाले समय में मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उसके रिजॉर्ट में बुलडोजर चलेगा, क्या उसका रिजॉर्ट टूटा तोड़ा जाएगा, क्या उसका रिजॉर्ट जो है उस विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का जो रिजॉर्ट वहाँ पर बना हुआ अवैध एकांत अय्याशी का जो अड्डा बना के रखा हुआ था, क्या पुरानी परतों को खंगाला जाएगा? इससे पहले उसने और कौन कौन से कांड किए हैं, क्या क्या अंजाम दिया है? उसने 100% और भी बहुत से सारे कांड किए होंगे और उसके मैनेजर भी इसमें शामिल होगा, और उनसे सख्ती क्या क्या करेंगे और ये क्या क्या करना चाहते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। सिर्फ लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी तक जो कार्रवाई हुई उसमें मुख्यमंत्री का रोल बिल्कुल भी जीरो था। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड की बिटिया, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, ठीक है, उत्तराखंड का रहने वाला, और उसके बावजूद 6 दिन लग गए इस कार्रवाई का पता करने में, और अभी तक वो रिजॉर्ट वहाँ पे खड़ा है, है? काफ़ी लोगों को बुलडोजर के नाम पे डराया गया, धमकाया गया, लेकिन क्या यहाँ पे इस बीजेपी पूरी बीजेपी राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे के रिजॉर्ट में बुलडोजर चलेगा? इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इसमें पूरा संज्ञान लेंगे, इस केस पर अपनी पूरी नज़र रखेंगे। दोस्तों, आने वाला समय बताएगा होता क्या है, आप लोग भी नज़र जमाए रखिए। अगर हम लोग ऐसे ही चुप रहे ना, तो दोस्तों आने वाले समय में हमारी घर की बिटियों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा, जो आने वाले समय के लिए एक खतरे की घंटी है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।